आदिवासियों पर होने वाले अन्याय के खिलाफ कांग्रेस जन विकास आघाड़ी ने आंदोलन करने के बाद अब मनसे ने आंदोलन पुकारा है। मानिकगढ़ पहाड़ी पर रहने वाले कुछ आदिवासियों पर होने वाले अन्याय के खिलाफ कांग्रेस जन विकास आघाड़ी ने आंदोलन करने के बाद अब मनसे ने भी आवाज उठाई है। राजूराव इस क्षेत्र के विविध ज्वलंत समस्याएं तत्काल हल नहीं करने पर तीव्र आंदोलन करने की चेतावनी मनसे के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने अन्यायग्रस्त आदिवासी बांधवों के साथ विश्राम गृह में आयोजित पत्रकार परिषद में दी। यहां बताया गया कि 8 सितंबर को मनसे के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने ग्राम कुसुम्बी भेंट दी, तब आदिवासी बांधवों ने अपनी व्यथा उनके समक्ष रखे। आदिवासी बांधवों से किसी तरह की सहमति न लेते हुए मानिकगढ़ सीमेंट कंपनी प्रबंधक ने उनके खेती पर कब्जा किया। आदिवासियों ने बताया कि उनके गांव के करीब 20 लोगों की लगभग 150 एकड़ जमीन कंपनी ने ली है। 20 वर्ष के लिए लीज पर लीज जमीन को आज 35 वर्ष बीतने के बावजूद कंपनी के कब्जे में है, जिससे ग्रामीणों के पास रोजगार नहीं है, गाँव में बुनियादी सुविधा नहीं है। गाँव में आज भी 150 से 200 लोग रहते हैं। सिर्फ कागजों पर गांव का पुनर्वसन हुआ है। न्याय के लिए कई वर्षों से संघर्ष जारी है। दूसरी ओर अमल नाला बांध का निर्माण होने के बाद हजारों नागरिक इस पर निर्भर है, परंतु सीमेंट कंपनी ने यह पानी खुद को मिले और नागरिक इस पानी का उपभोग न कर सके, इसके लिए केमिकल छोड़कर पानी हरा करने का आरोप मनसे ने इस दौरान किया। इस मामले की जाँच करने की मांग के राजूराव क्षेत्र में सीमेंट कारखाने और अन्य उद्योगों में सरकारी निर्णय अनुसार 80% स्थानियों को रोजगार देना आवश्यक है, परंतु कंपनी प्रबंधक इस निर्णय की धज्जियां उड़ा रहे हैं। स्थानीय को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है, नियम के मुताबिक वेतन नहीं दिया जा रहा है, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। उक्त प्रश्न पर तत्काल हल नहीं निकाला गया तो तीव्र आंदोलन की चेतावनी दी। पत्र परिषद में मनसे के सुरेश ठाकरे, मनसे चंद्रपुर शहर अध्यक्ष मंदीप रोड़े, पार्षद सचिन भोयर, महालिंग कंठाले आदि पदाधिकारी कार्यकर्ता और कुसुम्बी गांव के आदिवासी उपस्थित थे। गाँव कुसुम्बी गावावर जो अन्याय झालेला आहे आदिवासी बांधवांवर, जवळपास 200 परिवार आज रस्त्यावर आलेले आहेत, जवळपास 43 परिवार रस्त्यावर आलेले, त्यापैकी त्या 43 परिवारात 200 लोक राहतात। ही 200 लोक आज रस्त्यावर आलेली आहेत। त्यांची जी शेतजमीन होती, ही शेतजमीन जबरदस्तीने माणिकगड सिमेंट कंपनीने बळकावलेली आहे। जबरदस्तीने मी याकरता बोलतोय कारण 20 वर्षाकरता त्यांनी लीजवर घेतली होती, आज 35 वर्ष झालेली आहेत। त्यांनी ती जमीन सोडलेली नाही व ते तिथे आजही उत्खनन करतात। ह्या गोष्टीचा त्यांना खूप जास्त त्रास झालेला आहे, त्यांना यातना सोसाव्या लागतात, त्यांचं गाव तिथनं उठवलेलं आहे। व प्रशासन याबाबत उदासीन आहे, प्रशासनाचं लक्ष वेधण्याकरता ह्या गावाच्या प्रश्नांकडे आणि यांच्या जमिनी या जमिनी यांना परत मिळवून देणे किंवा यांचं पुनर्वसन जे आहे हे फक्त कागदोपत्री झालेलं आहे, यांचं पुनर्वसन कुठेही झालेलं नाही।